Come on, यार पापा फोन उठाओ. हाँ मैं उस ओपन माइक पे हूँ. हाँ वही स्टैंड अप कॉमेडी वाला. मैं स्टेज पे नहीं जा रहा पापा, समझो ना. बिकॉज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. अरे इम्पोर्टेंट नहीं यार, इम्पोर्टेंट. डैड आई एम नॉट द फॉर्मर एंड द ओपन माइक इज नॉट द लैटर. रिलैक्स. It is important, यार. तू बात को समझ ही नहीं रहा. मैं समझा. अब just imagine कि तू एक 20 साल पुराने एल्यूमिनियम के ढांचे में है और तू ऐसे किसी पार्क में नहीं घूम रहा. तू 40,000 फीट की ऊंचाई पर है और तू बादलों पर चीरता हुआ जा रहा है 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और तेरा कैरियर मलेशियन एयर. ऐसी फ्लाइट्स में भी तो लोग जाते हैं ना. हाँ इन फ्लाइट्स में लोग जाते हैं तो तू स्टेज पे क्यों नहीं जा सकता? अब साला जिंदगी जहर है तो पीना ही पड़ेगा. स्टेज फियर तेरा डिफेक्ट है. गो रिपेयर इट. इट्स नॉट अ डिफेक्ट. इट्स जस्ट एन इडियोसिंक्रेसी. इडियोसिंक्रेसी? आई डिडंट नो दैट इट वाज यूज्ड बिग एंड कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश वर्ड्स एट द वर्क डे टुडे. पापा आपको आपका सार्केज्म दिखाना ना तो आप जाओ स्टेज पे, मैं नहीं जा रहा. अरे यार मुझे बात ये समझ नहीं आ रही कि तुझे प्रॉब्लम क्या. तुझे बस स्टेज पर चढ़ना है, माइक पर लोगों और चीजों का मजाक उड़ाना है, जस्ट लाइक इन नॉर्मल लाइफ. इन नॉर्मल लाइफ इफ द जोक डजंट वर्क आई मेक अ फूल आउट ऑफ माय सेल्फ इन फ्रंट ऑफ 3 और यहां पे इस वक्त 300 लोग हैं. एमेच्योर कॉमेडी देखने हैं लोग ट्यूजडे इवनिंग को बाहर आए. इट्स ट्यूजडे, अ फकिंग वर्किंग डे. आर दे सपोज्ड टू डू समथिंग और समवन? सी दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. जस्ट बी योरसेल्फ, एक्ट अरोगेंटली एंड पॉइंट आउट सेक्सुअल इनुएंडो. दे ऑलवेज डू. यू हैव एनी बेटर आइडिया? मैं फोन रखूं? ठीक है यार, आई विल गो योर द मॉडर्न वे. मैं इसे गूगल करता. ये कौन गूगल करता पापा? अरे गूगल पर सब मिलता है बेटे. पापा वो गूगल नहीं, ओएलएक्स पे सब मिलता है. गूगल पर ओएलएक्स भी मिल जाएगा. तू मेरे को डिस्टर्ब ना कर, शांति से काम करने दे मुझे. ओए इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलो. ना इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं, गूगल करो, फट जाएगा कंप्यूटर. हाँ स्टैंड अप कॉमेडी टिप्स. यहां लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन
You have won $20 million jackpot. Please enter bank details. पागल हो गया क्या तू? यार तू बात-बात में गुस्सा क्यों हो जाता है यार? जल्दी बता. बोला क्या तूने? और ठीक है, यहाँ लिखा है start off by saying something cool. Start off by saying something cool. Okay? Obviously. Start off with a joke is too cliched for stand-up comedy, no? Okay. यार मैंने इसको कहीं देखा है. Goodwill Hunting में था ना ये. Brilliant actor. Robin Williams. Comedian died of depression. Yeah. वो वन ऑफ केस. तू टेंशन ना ले, तू कॉमेडी कर, तुझे कुछ नहीं होगा. हाँ, Robin Williams has an advice. I mean, he had an advice. Robin Williams said, when in doubt, go for the dick joke. What? When in doubt, go for the dick joke. Yeah, dad, I got it right the first time also. क्या? काला लंबा. अरे मुझे नहीं सुनना ऐसा joke. You and I are not having this conversation. Arey, this one, this, the one with the tick. Arey, it's very weird, yaar. Yaar, isme weird kya hai? Tu beta hai, main baap hu. Aur life mein har baap bete ko kabhi na kabhi to ye baat karni hi padti hai. Natural hai, yaar, sabke paas hai. Matlab, Shekhar, mere ko lagta hai ki this is the time to have this conversation. Papa, I am 24. Jis conversation ki baat aap kar rahe hai na, wo 16 saal ki umar mein di jati hai. And don't worry, आपने वो जो सीट बैंड पकड़ के साथ किया था ना, ची 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 ची, बोला नहीं. I chose to ignore it and pretend that it never happened. But that does not mean I never saw it. यार तू ये पुरानी बातें लेके क्यों बैठ गया? मतलब मैं कह रहा हूँ, what's the problem generally? हाँ, if you are not going to stop, you are not going to stop. You are not going to stop. आपको इसके बारे में बात करनी है. शायद सही टाइम नहीं है, पर हाँ करनी है. नहीं नहीं, लेट्स टॉक अबाउट इट राइट नाउ. नॉट दैट, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में क्या कहना है? आपकी उम्र के लोगों में बहुत कॉमन है. नहीं, दैट द रीजन आई डोंट हैव अ बेबी सिस्टर. नहीं नहीं, ladies and gentlemen, next up on stage is Mr. Shekhar Shrivastava. Stage fear, you are dead. Oh. And here he is, Mr. Shekhar Shrivastava. Oh shit, yahan to 300 se bhi zyada hai. Okay, okay, it's cool. 300 is not that big a number. Shekhar, relax. Shekhar, relax. Do not panic. Do not panic, Shekhar. ठीक 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 है, काम कर. एक smile दे, Shekhar, smile. अरे video file वाली smile नहीं. अरे शेखर, पीडो फाइल वाली स्माइल नहीं, नॉर्मल स्माइल. ये ठीक है, ये ठीक है शेखर, चिंता की बात नहीं है. एक लंबी सी सांस ले, पर अटक कर खासा मत. ठीक है यार, बहुत लंबा ब्रेक हो गया है शेखर, कुछ बोलना जरूरी है. डू वन थिंग, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर. अरे नहीं, उस आदमी ने दो बार पहले कर दिया. मत करना, मत करना शेखर, प्रॉब्लम हो जाएगी, लोचा हो जाएगा, कुछ बोलना पड़ेगा. ओह माय गॉड, ये तेरे पेट में क्या हुआ? What was that? Dude, did you just shit your pants? Haath mat laga usse! Oh no, my nemesis, the stage fear, it's back. Sun, ek kaam kar, jaldi se kuch bol. Arre idhar udhar ka, na jaane kidhar ka, koi joke suna, koi issue utha, koi awesome sa fact bata. Don't be a fool, lines mat bol, start off by saying something cool. Something cool. Behtar hota ki tune kuch nahi bola hota. Hey Bhagwan, ye kahan phasa diya mujhe? डैड, अब आपकी और मेरी हर कन्वर्सेशन उसी टॉपिक पर होगी, देख लेना. यू आर गोइंग टू पे फॉर इट. तू स्टेज पर है, फोकस 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 ऑन व्हाट? क्या बोलूं मैं? लेट्स टॉक अबाउट सम डिक्स, शैल वी?
खुशी की बात ये है कि ट्विंट में और डैड इसलिए खुश थे क्योंकि हमने उस टॉपिक के बारे में कभी दोबारा बात नहीं की। वैसे हाँ, अगर आप में से किसी के मन में डाउट हो तो आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई कि मेरे डैड ठीक हैं, ही इज फाइन। लेडीज टेक नोट। वैसे दैट नाइट रियली चेंज मी, माय स्टेज फियर टेक। पर पापा ने कोई एक चीज एक बार करवा ली तो वहां रुकते थोड़ी ना। स्टेज पे एक अच्छा एक्ट एंड आई एम नोइंग इट्स इन माय ओन फेट। मेरा बेटा एक्टर बनेगा पर पापा बिल्कुल मेरी तरह। मैंने सोचा कि यार इस देश में एक्टर कौन नहीं बनना चाहता। और वैसे भी मैं कौन सा, शाहरुख या सलमान से क्या मना, बापू जी। अरे ये रद्दी फिल्मों के ऑफर ठुकरा कर मेरा बेटा असली एक्टर बनेगा, मेरा बेटा थिएटर एक्टर बनेगा। That day I realized that there's a very fine valley between stage acting and film acting. Yes, I am a theater actor. And that's why, of course, none of you know me. My case is just like a Shakespearean tragedy, you know? Some are born great, some achieve greatness, and some, like me, have greatness thrust upon them. वैसे, frankly speaking, तो actor होने के फायदे तो हैं। ओ सचिन जी, आपको जी मैं देखा है। Yeah, cool, right? But then, this आप नहीं बुला रहे जी? नहीं, जैकी मगनानी, नहीं वो भी नहीं। चंकी पांडे तो ये सब तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन जब ये होता है। सो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? लीव दैट, टेल मी व्हाट डू यू डू? आई एम एन एक्टर। ओह, सो यू वर्क इन मूवीज? नो, एक्चुअली आई एम अ थिएटर एक्टर। ओह, चेक प्लीज। वी हैव टू स्प्लिट दैट चेक obviously because theater does not pay much. So finally I thought कि यार जब पैसे भी नहीं हैं और इंटरेस्ट भी नहीं है तो क्यों करूं? मैंने सोच लिया कि डैड को जाके आप बोल दूंगा कि डैड मुझे एक्टिंग नहीं करनी, डैड दिस इज द टाइम टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन। पापा मुझे आपसे बात करनी है, ये ले। क्या है? Exactly, मेरे मुंह की बात छीन ली तूने। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू टू, जल्दी से पढ़। ये क्या है? क्या ये है? तेरे नए प्ले की स्क्रिप्ट, जल्दी से पढ़ और बता कैसी है। पापा मुझे आपसे बात करनी। बातें बाद में कर लेना, आज तुझे मन में रख के लिखी है ये स्क्रिप्ट। This has been my dream project for quite a while. आज तक इस आदमी को किसी ने भी उस नजरिए से नहीं देखा जिस तरीके से हमारा ये नाटक देखेगा। और तेरी आखिरी परफॉर्मेंस के बाद आई थिंक यू आर अप फॉर इट बेटा। पापा आई एम नॉट। यस यू आर, जस्ट टेक दैट एज गिवन एंड गेस व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आई कांट गेस। पापा मुझे आपसे बात करनी है अबाउट बीइंग एन एक्टर। बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। यस, एक सेकंड। आप शेक्सपियर करना चाहते हो? ये हैमलेट तो नहीं है। अरे हम ये बाकी आयरे कह रहे हो कि तरह शेक्सपियर का कोई भी नाटक नहीं कर रहे। वी आर प्लेइंग शेक्सपियर। मतलब यू विल बी माय शेक्सपियर। अरे इस दुनिया में शेक्सपियर के काम पर न जाने कितनी फिल्में बनी है, न जाने कितने नाटक बनाए गए हैं, इंस्पायर्ड, अडॉप्टेड, डायरेक्टली कॉपीड एंड व्हाट नॉट। हम दुनिया को बताएंगे कि शेक्सपियर शेक्सपियर कैसे बना। अरे एक किरदार के, एक एक्टर, एक कलाकार के दिल और दिमाग में जब तक वो दुख वो दर्द ना हो ना, तब तक वो कलाकार कलाकार नहीं कहलाता। बेटा मरा था शेक्सपियर का 11 साल की उम्र में। द फोर ग्रेट शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट एंड किंग लियर वर रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ शेक्सपियर। सन हैमलेट, यू बेटा विल बी माय शेक्सपियर। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। What a music! Fine, bro. Oh,
new instruments. Come in. Ah, William, it's been quite a while. Come, have a seat. So, stage. What? Yo, be smart. Can you feel that? You feel that? Of the English language, sir. आगे चल के सब लोग ऐसे ही बात करेंगे सर. I can say this with assurance, sir. In fact, मैंने तो हमारे अगले नए प्ले का नाम भी इसी भाषा को ध्यान में रखकर लिखा है. अच्छा, क्या लिखा है? Yo. Yo. बिल तुम ये क्या कर रहे हो? ये हमारी एक ड्रामा कंपनी है, कोई जिपरिश टूर्नामेंट नहीं. सर मेरी बात तो सुनिए सर, एक बार मेरी बात सुनिए ध्यान से. सर सोचिए सर, मैंने अपने पुराने कुछ नाटकों में ऐसे शब्द यूज किए थे व्हिच मेक नो सेंस एट ऑल सर, एज यू सेड दे आर जिपरिश. इन फैक्ट सम ऑफ दीस आर एक्चुअली नॉइजेस मेड बाय माय वाइफ एंड मी व्हेन शी वाज स्लीपिंग. अलोन इट डज नॉट मैटर सर, दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज दैट दीस वर्ड्स हैव कॉट ऑन लाइक वाइल्ड फायर. They have become so common that people have started playing with them, modifying them. Sir, देखिए, laughable. Merchant of Venice ने invent किया था मैं. इतना ज़्यादा use होने लग गया है अब. पता है उसे लोग क्या बोलते हैं? Lols. Sir, lols. Sir, एक और है sir. Swagger. Henry IV में लिखा था मैंने. आपको पता है आजकल उसे क्या बोलते हैं? नहीं. Swag. ये लोग क्या भाषा बोलते हैं, मुझे उससे क्या? मेरे थिएटर की जनता कहाँ है? Where are they? Where is my money? तुम या तो कॉमेडीज लिखते हो या हिस्ट्री. जैसे लास्ट कौन थी तुम्हारी? हेनरी, जिसके ना जाने कितने पार्ट्स और कितने सीक्वल्स. You know what? People don't like to sit on wooden seats for 5 hours just to watch history. They want something else. कुछ दर्द नहीं है. इमोशन का बहाव लाओ, कुछ दिखाओ. हेट्रेड, बिट्रेयल, जेलसी, मर्डर. और अगर ये सब तुम नहीं कर सकते तो आई डोंट थिंक वी कैन गो टू दैट. हैमेट. यस डैड. चलो हमें अभी थिएटर चलना है, एक नया प्ले लिखना है अर्जेंटली. फिर से? नहीं पापा, बहुत हो गया, मैं नहीं आऊंगा. हैमेट, डू नॉट आर्ग्यू विद मी. Come with me at once. You have no choice. To be an actor or not to be one is my own choice. Theater is not worth my time, Dad. Do not insert theater in front of me. It is my life. Of course I know that. Only theater is your life, Dad. भले कितने ही rejections हो, you won't give up, will you? मुझे तो ये भी लगता है कि अगर मैं मर गया तो आप मुझ पर बस एक play बना दोगे बस. I'm not. And scene. भाई कितनी गर्मी लगती है इसमें show पर. बात करनी है. कैसा लग रहा है तुझे? मजा आ रहा है? मुझे मत देख, तेरे आगे की ये खाली सीटों को देख और सोच, जिस दिन हम अपना पहला परफॉर्मेंस दे रहे होंगे और ये सारी सीटें जनता से भरी हुई होगी, लोगों से खचाखच भरी हुई होंगी, एंड यू विल बी द वन लीडिंग द प्ले. दिख रहे हैं तुझे ये लोग? हाँ, इन लोगों को छोड़ और मुझे बता. तू रात को सोने के पहले क्या करता? नहीं बता ना. What do you do just before you go to sleep at night? और ब्रश करता हूँ, कपड़े चेंज कर लेता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, सो जाता हूँ. तू आंखें बंद कर देता है. You act before you go to sleep. तू सोने की एक्टिंग करता है because you think that you will finally be able to go to sleep. आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसमें आपका खुद का विश्वास ना हो.
Acting is pretending truthfully in imaginary situations, and that is not possible if you do not believe in your own lines, in your own character. Jo aaj ye tune lines kahi hai na, these would scream out to those people that you see there. You do not believe in your own character. Yaad rakh is baat ko. Aap aisa kuch nahi kar sakte jisme aapka khud ka vishwas na ho. फीलिंग और इमोशंस के साथ बोलना दूर की बात है, पहले बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ऑल द मेन एंड वुमन मेन प्लेयर्स, दे ऑल हैव देयर इंटेंशन।
नहीं, नो, इट्स नॉट वर्किंग. अरे कुछ मिसिंग है यार, समथिंग इज नॉट कमिंग आउट प्रॉपरली. वो मैजिक वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है. अ ट्रू एक्टर हैज इट ऑरा अराउंड हिम व्हेनेवर ही स्टार्ट्स हिज डायलॉग्स. इसमें कुछ नहीं दिख रहा है यार. All the world's a stage. नहीं यार, तू मेहनत ही नहीं कर रहा. आई नो इट. योर माउथ इज सेइंग दोज वर्ड्स एंड योर फेस इज टेलिंग समथिंग एल्स. अरे द ऑडियंस हैज टू फील द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, नॉट बिटवीन योर फेस एंड योर ओन वॉइस. परफॉर्मेंस में एक दिन बाकी है और तू जनता के सामने ये पेश करेगा. शाम में कच्चे नहीं वाला, अभी नहीं हो पा रहा. हां और तेरे लिए और शिफ्ट कर दे पूरा प्ले. और कुछ चाहिए जनाब? अच्छा दो मिनट. All the world's a stage. All the men and women wear their hairs. They all have their relevant... Shit! Later. All the world's a stage. All the men and women wear their hairs. They have their entrances and their exits. And a man needs to look... कुछ ज्यादा ही बोल दिया तूने, जरूरी नहीं था ये. इतने भी बुरे नहीं हैं यार. कल के परफॉर्मेंस के बाद कहता तो ठीक होता. कल का परफॉर्मेंस ऑन स्टेज, ऑल द वर्ल्ड स्टेज. पापा कहाँ है तू? दिमाग खराब है तेरा? पापा कहाँ?
किरदार ड्रामा कंपनी। हाँ जी, मैं गोल्डन चौक के सिग्नल से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, एक एक्सीडेंट हुआ है और आपकी कंपनी का कार्ड मिला है इनके पास। द आईडी सेज इट्स मिस्टर श्रीवास्तव जिनका एक्सीडेंट हुआ है। क्या आप साथ में जानते हैं या इसके किसी रिश्तेदार को? लेडीज एंड जेंटलमैन, किरदार ड्रामा कंपनी आप सभी के सामने पेश करते हैं अपनी सबसे नई कहानी। वेलकम वेलकम टू द वेरी 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 फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ऑफ हेवन। एंड नाउ प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर विद ऑल योर एनर्जी फॉर द ग्रेटेस्ट इंग्लिश प्ले राइटर ऑफ ऑल टाइम, द लिटरेरी जीनियस, द पार्ट ऑफ हेवन हिमसेल्फ, विलियम शेक्सपियर। Be an actor or not to be one is my own choice, Dad.